आज चेन्नई में मुझे नया घर मिल गया, अभी खाना बनाएंगे और... तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं पानी मार देनी चाहिए। तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग आप पहुंचे हैं चेन्नई, एक होटल है जिसकी छत के ऊपर अभी हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं। दोपहर के दो बजे, यहाँ पर दूसरे कोई गेस्ट नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। बीच में दो दिन हम लोगों ने अलग अलग लोकेशन पर रूम लिया और रहे। अब जो चलिए चलते हैं चेन्नई की तरफ और कहीं पर स्टे देखेंगे चेन्नई के अंदर और रुकेंगे। ये हमारा आखिरी पड़ाव है तमिलनाडु के अंदर, जो चेन्नई है वो, और उसके बाद में तमिलनाडु कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है हमारे लिए कि यहाँ पर कहीं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रूम देख लें कोई रहने के लिए। उससे पहले हम लोग क्या है कि यहाँ चेन्नई के अंदर एंटर जैसे ही हुए, यहाँ पर अष्टलक्ष्मी ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने बीच है, सोचा थोड़ी देर इधर जाके आते हैं बीच की तरफ। दिस इज पोटैटो चिप्स, पोटैटो फिश, पोटैटो पोटैटो फिश नहीं है, फिश करना है क्या? वो कच्चा है। अच्छा ये पका हुआ है के हो ये सारा मना करिए के बात हुई हैं देखो तन के लगे इसके टेस्ट करके देखो भाई साहब, मैं टेस्ट कर रहा हूं सीधे दिमाग सट के रहे कि पहला कम से कम पता तो कर लियो है कि मैं तो ऐसा समझ लिया सोच तो मैं भी ऐसे ही रहा था दोस्त, वैसे ही मैं भी रहा था, पर ये कह रहे हैं पोटैटो, पोटैटो है ना, फिश नहीं है। फिश नहीं, टेंपल का पास में फिश नहीं। अच्छा टेंपल के पास में नहीं रहता, इस साइड में नो फिश है। ये ब्लैक वाटर क्यों है इस साइड में, शहर की गंदगी? अच्छा मैं सार के निकल गई, मैं सोचो फिश। अभी तूफान का अलर्ट भी आया है, मौसम भी उस तरह का हो गया है एकदम, लहरें भी तेज उठ रही है, हवा भी यहाँ पर तेज ही चल रही है, तूफान आने वाली है। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा हुआ है जो चेन्नई पांडिचेरी की तरफ आ रहा है, श्रीलंका की तरफ, ये आप देखिए आंध्र प्रदेश की तरफ, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये तूफान है। अभी बीच के किनारे किनारे अब हम लोग जो आगे जाएंगे और देख रहे हैं कहीं बीच के किनारे अगर रूम मिल जाए तो। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शाम के टाइम में यहाँ बहुत सारे लोग आते हो, जैसे मेले की तरह माहौल है पूरा, जैसे मेले लगा हुआ। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं एक्चुअली इसका नाम है बसंत नगर बीच। अब जाते टाइम मार्केट से खूब सारा सामान भी लेना है, यहाँ कहीं पतंजलि स्टोर काफी दिनों से खूब सारा राशन का सामान भी लिया नहीं है, वो भी लेना है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम लोग पतंजलि का क्यों, पतंजलि का इसलिए क्योंकि जितनी दुकानों पर मैं जाता हूँ सब जगह पूछता हूँ भाई बिस्किट आपकी दुकान में, चाहे कोई भी कंपनी का हो, आटे का दे दो, कर नहीं है, हर जगह मैदा मैदा मैदा, यहाँ आते ही आटे का मिल जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आटा मिल जाते हैं, आटे की नूडल मिल जाती है, वरना नॉर्मली हम मैदे वाले नूडल भी नहीं खाते हैं। और लेना है क्या गुलाब जामुन बना सी? गुलाब जामुन कड़क के बना, तू मंदियो क्या में हो? मैं वो गंदियो नहीं, मैं दियोस बकड़े में लिया रखो साबुन की जगह, ये ठीक है, साबुन रोज रोज मतलब छूट जाती है पीछे वो है तो नाने कोई नहीं। आपको पता है हम लोग पहली बार ले रहे हैं शोवर जेल, कुछ नूडल भी ले लेते हैं। चीजें ढूंढते ढूंढते पतंजलि बड़ी मुश्किल से मिली है यहाँ पर चेन्नई में, इस साइड में है ना बहुत कम है इसके स्टोर जो है ना पतंजलि के पास, पहली बार इस तरह का आटा ले रहे हैं जिसके अंदर छिलका ज्यादा होगा, जिसे नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं एक्स्ट्रा फाइबर। नो 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 धनिया, मार्केट से होते हुए जा रहे थे तो सब्जी भी ले ली, 3 किलो में चीकू लेके आए, अभी चीकू खाते खाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये कपालेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, कार्तिक दीपम, कार्तिक दीपम ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का, और यहाँ पर इस फेस्टिवल को जैसे दीपावली पे मनाते हैं ना उस तरह से दीपक जला के मनाते हैं, आज ये कार्तिकी दीपम फुल पूरे तमिलनाडु में, अच्छा तो यहाँ का जिसके अंदर क्या है कि दीपक जलाते हैं जैसे दीपावली पे जलाते हैं ना उसी तरह से, हम लोगों ने भी जो 4-5 दीपक ले लिए जलाएंगे अभी, इतने सारे लोग दीपक जला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बातियों 100-100 बातियों के एक ही दीपक के अंदर इस तरह से, और इतने सारे दीपक चलते हुए पहली बार। ये त्यौहार जो शिव मंदिर के आसपास मनाया जाता है, ये भगवान शिव का मंदिर है कपालेश्वर मंदिर, और ये उत्सव जो
इस मंदिर पर चेन्नई के अंदर मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग एक साथ दीपक जलाते हुए हम लोग चेन्नई में आने के बाद में ये घर लिया है, और आज घर के आगे भी जो यहाँ पर ये दीपक जला रखे हैं सब जगह लोगों ने, घरों के ऊपर भी है और घरों की छतों के ऊपर भी जहाँ पर प्रवेश करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस त्योहार के दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम मार्केट में गए थे तो देखे थे जगह जगह दीपक के ढेर लगे थे। मैं सोच रही थी दीपावली तो गई लेकिन इतने दीपक क्यों लेके बैठे हैं। अभी शाम को जैसे ही सब घरों के आगे दुकानों के आगे जलाए हुए देखे तब पता चला कि मतलब आज कुछ न कुछ त्यौहार है यहाँ पे, हमारे भाषा की वजह से हमें पता नहीं चला। और ये हमारा चेन्नई के अंदर नया घर, इसके अंदर फ्रिज भी शामिल है और एसी भी लगी हुई है, वॉशिंग मशीन भी है, पानी भी मिल जाता है, और किराया पर डे का 1400 रुपये है। और ये रूम, इसके अंदर 3 बेड हो गए इस तरह का 1400 रुपये के अंदर। और ये मरीना बीच के पास में है, यहाँ पर रूम हमें अच्छा मिल गया क्योंकि होटलों में तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये ऐसे हमने किचन भी है, मतलब महंगा तो है ही है, वहाँ पर हमें ऐसी सुविधा ही नहीं मिल रही। अब जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर किचन मिल गया, ये चूल्हा मिल गया, सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर सब साथ में लगा हुआ है तो हमारे लिए इसकी बचत हो जाएगी। सब सेट है यहाँ, बर्तन ये इतना सारा सब सामान साथ में मिला है, अच्छा है। मतलब अभी हमारे को कितने दिन के लिए मिला है, 6-7 ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसके बाद में किसी और का है बुकिंग, किसी और फिर भी बुक है तो कोई बात नहीं, 6 दिन के लिए तो है, तो 6 दिन के लिए तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं। 6 दिन के लिए तो अच्छा है, खाना बनाने के लिए भी और कपड़े धोने के लिए और आराम से रहने के लिए। ये क्या है कि बीच वाला इलाका है ना, तो यहाँ पर बाहर की साइड में जैसे ही जाते हैं तो वो सफोकेशन, उमस, वो पानी वाला चिपचिप वो सब तो है ही है, थोड़ा सा फिश की स्मेल भी इधर आता है, आता ही रहता है। शाबाश, आज वही चावल बनाए। देखो भाई, कोई भी चीज देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, खाने वाली हो चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया के अंदर जितना अच्छे तरीके से इंजॉय हर चीज को बच्चा करता है ना, बड़े उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अब ये इतना सा खाएगी, चाहे एक चावल खाएगी, लेकिन उसके लिए नाचेगी बहुत देर तक। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और इतनी रात को भी जो पार्सल डिलीवरी होता है, ये मैंने फ़ोन के लिए कवर मंगवाया, पहले वाला टूट गया, मेरे पास में S21 है जो फ़ोन है उसके लिए मैंने कवर मंगवाया, ये काफ़ी सॉलिड है, और इससे पहले वाला जो था 2-4 बार गिरने से टूट गया, लेकिन कहीं से भी स्क्रीन या फ़ोन की दिक्कत नहीं होती इतना। जैसे कि आपको बताया, हम लोग अब चेन्नई आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे तमिलनाडु में आने के बाद से चेन्नई के अंदर इंतजार कर रहे हो आप लोग कि जब भी आप चेन्नई आओगे हम लोग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि चेन्नई जो है वो राजधानी है तमिलनाडु की और बहुत पॉपुलेशन है, मद्रास इसका जो पुराना नाम है, बहुत सारे लोग नॉर्थ भारत से, राजस्थान से और अलग अलग स्थानों से रहते हो आप लोग यहाँ पर, जो हमें कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं कि हमारी यात्रा कहाँ कहाँ तक होगी। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मैं पोस्ट या फिर वीडियो के ज़रिए आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये जो हमारी तमिलनाडु की यात्रा है बस कुछ एक दिन की बची है, 5-7 दिन मुश्किल से, उसके बाद में ये हमारी जो तमिलनाडु यात्रा है कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। राम राम।